हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज मैं आपसे चर्चा करूँगा 28 मार्च 2022 की वर्कशीट का, जो कि हिंदी की वर्कशीट है फुटर मैसेज 2 की। तो इसी प्रकार हम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सभी वर्कशीट की चर्चा करेंगे। और इसको शुरू करने से पहले जो कोई भी हमारे चैनल के साथ नया जुड़ा हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल वाले बटन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि सारी नोटिफिकेशन उस तक जरूर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। विद्यार्थियों का नाम इधर लिखे, शिक्षक का नाम, आगे क्रम संख्या 56। कहानी है परी और राक्षस की। आप देख सकते हैं इसमें यह एक प्रसिद्ध परी कथा है जो बताती है कि हमें किसी व्यक्ति के भारी रूप से ज़्यादा उसके अच्छे स्वभाव को अधिक महत्व देना चाहिए। एक समय की बात है, एक व्यापारी की 3 बेटियां थीं। एक दिन उसे किसी काम से दूर देश जाना था। जाने से पहले उसने अपनी बेटियों को अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम तीनों के लिए परदेश से क्या लाऊं? पहली बेटी ने सुंदर कपड़े मांगे, दूसरी ने गहने और तीसरी बेटी, जिसका नाम परी था, उसने कहा उसे लाल गुलाब का फूल चाहिए। व्यापारी उनके लिए उपहार लाने का वादा करके घर से निकल पड़ा। जब वह अपने काम ख़त्म करके वापस घर की ओर लौट रहा था, तभी अचानक आए आंधी तूफान के कारण रास्ता भटककर एक महल के पास पहुंच गया। बाहर अंधेरा था और महल से रोशनी आ रही थी, तो उसने सोचा कि आज रात वो इसी महल में रुक जाएगा। व्यापारी महल के अंदर गया पर उसे वहां कोई नहीं दिखा। टेबल पर बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान देखकर उसकी भूख और बढ़ गई। उसने पेट भर कर खाना खाया और मुलायम गद्देदार बिस्तर पर सो गया। जब सुबह उठकर उसने बाहर देखा तो उसे सुंदर गुलाब का बगीचा दिखा। उसने बगीचे से अपनी बेटी के लिए एक फूल तोड़ लिया। तभी अचानक वहाँ एक राक्षस प्रकट हुआ और बोला, मैंने तुम्हें अपने महल में खाने और रात बिताने दिया और तुम मेरे ही बगीचे में फूल तोड़ रहे हो। व्यापारी डर गया और उसने बताया कि मैंने यह फूल अपनी बेटी के लिए तोड़ा है। राक्षस ने कहा, वह उसे जाने देगा लेकिन शर्त यह है कि उसे अपनी बेटी को उसके पास भेजना होगा। व्यापारी डर कर हाँ कर दी और अपने घर लौटकर अपनी तीनों बेटियों को इसके बारे में बताया। तब परी ने कहा, आप घबराएं नहीं, मैं आपका दिया वादा ज़रूर निभाऊंगी। परी उस राक्षस के महल में चली गई। राक्षस का डरावना रूप देखकर पहले तो वह डर गई, लेकिन राक्षस ने उसका स्वागत किया। परी के रहने के लिए राक्षस ने महल का सबसे सुंदर कमरा दिया। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छा लगने लगा। परी जान गई थी कि राक्षस देखने में भले ही क्रूर हो, लेकिन वह दिल का बहुत ही नेक और दयालु है। वहाँ रहते रहते एक दिन परी के मन में अपने पिता से मिलने की इच्छा जागी। पिता से मिलने के लिए राक्षस ने उसे हाँ कर दिया और 7 दिन में वापस आने की शर्त रखी। परी ने तय समय में आने का वादा किया और अपने घर चली गई। परिवार से मिलने की खुशी में 7 दिन कब निकल गए परी को पता ही नहीं चला। एक रात नींद में परी ने सपना देखा कि राक्षस की तबीयत बहुत ख़राब है और वह जल्दी ही मरने वाला है। अगले ही दिन वह महल वापस आ गई और उसने पाया कि राक्षस बगीचे में बेसुध पड़ा हुआ है। यह देख कर वो रोने लगी। सुबकते हुए उसने राक्षस से कहा, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। यह सुनकर राक्षस का रूप बदल गया और वह एक सुंदर राजकुमार बन गया। तब राजकुमार ने उसे बताया कि उसने एक चुड़ैल को युद्ध में हरा दिया था, जिसके कारण उसने गुस्से में आकर उसे श्राप दे दिया था कि जब यह कोई लड़की उसे राक्षस के रूप में प्यार करेगी, सूरत की जगह उसके गुणों को पसंद करेगी, तब उसे उसका असली सुंदर रूप मिलेगा। तो ये बच्चों कहानी थी, प्रसिद्ध अंग्रेजी कहानी ब्यूटी एंड द बीस्ट का हिंदी रूपांतरण। कैसी थी? अच्छी कहानी थी बिल्कुल। इस कहानी में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई, उन शब्दों की सूची बनाइए तथा शिक्षक, शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके साथ उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। जैसे राक्षस, तबीयत, शर्त, जो भी शब्द आपको मुश्किल लगे उसके कहानी के मतलब लिखे, उसका अर्थ लिखे और पूछे। अगर आपको उसमें दिक्कत हो रही है तो अपने घर वालों से या टीचर से पूछें। इस कहानी को और रोमांचक बनाने के लिए अपने साथियों के साथ समूह बनाकर चर्चा कीजिए और बदलती हुई कहानी को कक्षा में प्रस्तुत कीजिए।
मतलब ये कहानी की चर्चा आप अपने साथियों के साथ कर सकते हैं और रोमांचक तरीके से बातचीत करके बता सकते हैं। परी और राक्षस के व्यक्तित्व के तीन तीन विशेषताएं बताइए। परी का व्यक्तित्व अच्छा था, वो दयालु स्वभाव की थी। दूसरा, वो अपने वचन की पक्की थी। तो ये तीन होगी। राक्षस के व्यक्तित्व की बात है, वो दिखने में चाहे राक्षस प्रवृत्ति का था लेकिन वह अंदर से दयालु था और साथ ही साथ वह किसी कारणवश श्राप की वजह से ऐसा बन गया था लेकिन अंदर से वह राजकुमार था। तो ये सब विशेषताएं हैं। तो इस प्रकार ये जो आज की हमारी कड़ी थी पूरी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।